गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम हेलोजन व्युत्पन्न, इसके अंदर हम आगे बढ़ेंगे। आज एल्किल हैलाइड के निर्माण की लास्ट विधि, ठीक है। तो हम इस विधि में ये लेंगे हम प्राथमिक एमीन से। अब प्राथमिक एमीन से एल्किल हैलाइड है वो कैसे प्राप्त किए जाते हैं? तो प्राथमिक एमीन है वो कहलाते हैं ऐसे यौगिक जो अमोनिया से बनते हैं। अमोनिया NH3, यदि अमोनिया का एक दो या तीनों हाइड्रोजन परमाणु एल्किल या एलिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं तो प्राप्त व्युत्पन्न या यौगिक है वो एमीन कहलाते हैं। यदि अमोनिया का एक हाइड्रोजन परमाणु अगर हम हटाएं, ठीक है, और उसकी जगह एक एल्किल समूह जोड़ दें, हमने हाइड्रोजन हटाया है और R जोड़ा है एल्किल, तो ये एल्किल एमीन कहलाएगी। और यदि अब क्या होगा कि वहां पर हमने हेडिंग लिखा है प्राथमिक एमीन से, यदि अमोनिया का एक हाइड्रोजन परमाणु एक एल्किल समूह या एलिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो तो वो कहलाएगी प्राथमिक एमीन, अर्थात एक एल्किल समूह, ये 1 डिग्री एमीन। अगर R2NH हमने दूसरा हाइड्रोजन भी हटा लिया तो ये कहलाएगा 2 डिग्री द्वितीयक एमीन। और इसी प्रकार से हमने लिया R3N, तीनों हाइड्रोजन अमोनिया के हटा दिए, तीन एल्किल समूह जोड़ दिए तो वो कहलाते हैं तृतीयक एमीन। और यदि यहां पर एल्किल समूह है तो वो एलिफैटिक एमीन कहलाएंगे, अगर एरिल समूह है तो एरोमेटिक एमीन कहलाएंगे। अब प्राथमिक एमीन से हम एल्किल हैलाइड कैसे प्राप्त करते हैं? तो प्राथमिक एमीन RNH2+NOCl ये कहलाता है नाइट्रोसिल क्लोराइड। इसको टिल्डेन अभिकर्मक भी कहते हैं। और ये अमोनिया है उसका एक हाइड्रोजन हट गया, एक एल्किल समूह है, तो ये कहलाएगी प्राथमिक एमीन, ठीक है। तो प्राथमिक एमीन नाइट्रोसिल क्लोराइड, जिसको टिल्डेन अभिकर्मक भी कहा जाता है, इसके साथ अभिक्रिया करके एल्किल क्लोराइड बनाएंगे, केवल एल्किल क्लोराइड बनाते हैं, प्लस N2+H2O नाइट्रोजन और जल, इस अणु का निर्माण भी होता है। इस अभिक्रिया को हम समझने के लिए दूसरे रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह अभिक्रिया कैसे पूर्ण होती है। तो ये R सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H प्लस ये प्राथमिक एमीन है, इसके अभिक्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड टिल्डेन अभिकर्मक, तो ये लिखा N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl NOCl NOCl, इसके अंदर ये बंध इस तरह से टूटते हैं और ये बन गया RCl एल्किल क्लोराइड। NN है ये बना लिया N2 और ये बन गया H2O। इस प्रकार से हम प्राथमिक एमीन कि नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर केवल एल्किल क्लोराइड प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने जितने भी विधियों से एल्किल हैलाइड है उनके निर्माण की विधियों के अंदर ये अभिक्रिया पड़ी है। अब पढ़ेंगे हम इसमें एल्किल हैलाइड है उनके भौतिक और रासायनिक गुण, ठीक है। एल्किल हैलाइड के भौतिक गुण, एल्किल हैलाइड के भौतिक गुण और एरिल हैलाइड के भौतिक गुण थोड़े बहुत भिन्न होते हैं, तो इस चैप्टर के अंदर हम
पूरा अध्ययन है वो एल्किल हैलाइड का ही करेंगे, और इसमें यही रहेगा मोनो एल्किल हैलाइड, अर्थात ऐसे एल्किल हैलाइड जिनके अंदर एक हेलोजन परमाणु हो। फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे डाई हैलाइड, डाई हैलाइड के अंदर फिर ट्राई हैलाइड भी पढ़ेंगे और पॉली हैलाइड भी पढ़ेंगे। तो एल्किल हैलाइड के भौतिक गुण हैं, तो किसी पदार्थ के भौतिक गुण हैं वो अधिकांश से ऐसे गुण होते हैं जैसे रंग है, ताप है, दाब है, गलनांक, क्वथनांक। ये अगर इनमें से क्या प्रभाव पड़ता है यौगिकों पर, तो इन सब का अध्ययन है हम भौतिक गुणों के अंदर। तो एल्किल हैलाइड के भौतिक गुणों में जैसे अगर मान लीजिए हम इनकी भौतिक अवस्था है, इनके रंग है, इनकी गंध है, इनकी विलेयता है, इनका घनत्व है, ये सब भौतिक गुण होते हैं। ये किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एल्किल हैलाइड के भौतिक गुण में सबसे पहला हम पढ़ेंगे भौतिक अवस्था। अब भौतिक अवस्था है अर्थात किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था जो ठोस, द्रव और गैस होते हैं वो किन चीजों पर निर्भर करता है। तो हम देखते हैं कि किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था है वो निर्भर करती है उस पदार्थ के अवयवीकरण। अवयवीकरण का होता है या तो वो पदार्थ अणु, परमाणु, आयन किससे मिलकर बना हुआ है, उन अवयवीकरणों के बीच में आकर्षण बल पर निर्भर करती है उसकी भौतिक अवस्था। अगर पदार्थ के अवयवीकरण हैं कोई भी हो जाए, परमाणु, अणु, आयन, अगर उनके अणु के बीच में, अवयवीकरणों के बीच में आकर्षण बल बहुत अधिक हो तो अणु क्या होंगे, पास पास आएंगे, और जब अणु एक दूसरे के अत्यधिक निकट आते हैं तो उस पदार्थ की भौतिक अवस्था ठोस हो जाती है। और यदि उनके अवयवीकरणों के बीच में आकर्षण बल थोड़ा सा कम हो और अणु थोड़े दूर हो तो आकर्षण बल कम होने से उसकी भौतिक अवस्था भी परिवर्तित हो जाती है, तो ठोस से द्रव बदल जाएगा। और जब अवयवीकरणों के मध्य आकर्षण बल है वो बहुत ही कम हो या नगण्य हो तब उसकी भौतिक अवस्था को गैस मानी जाती है। तो अब क्या होता है कि एल्किल हैलाइड है इसकी भौतिक अवस्था है वो ठोस भी होती है, द्रव भी होती है और गैस भी होती है। और ये भौतिक अवस्था अगर मान लो कोई एक भी पदार्थ है वो अलग अलग अवस्थाओं में पाया जाता है तो वो निर्भर, दूसरा एक ये भी है कि उसके आणविक द्रव्यमान अणु भार पर भी निर्भर करता है। किसी पदार्थ के पदार्थ का अणु भार जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो अणु भार बढ़ने से अणु के अवयवीकरणों के बीच के अंदर उनमें वैन डेर वाल्स आकर्षण बल, किसी भी प्रकार का जो आकर्षण बल हो वो बढ़ेगा, वो बढ़ेगा तो अवयवीकरण निकट आएंगे और निकट आएंगे तो उस पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो एल्किल हैलाइड है वो गैस अवस्था में भी होते हैं, द्रव अवस्था में भी होते हैं और ठोस में भी हो जाएंगे। तो अब गैस में कौन से रहेंगे, अगर हम एल्किल हैलाइड में देखें तो CH3F ये है, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2F ये भी गैस है, CH3Cl ये भी गैस है, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl ये भी गैस है, CH3Br ये भी गैस है। तो हम देखते हैं कि किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था है, जैसे अगर ये सब कार्बनिक पदार्थ पढ़ रहे हैं तो हम कार्बनिक पदार्थों में क्या होता है कि हम कोई एक चीज़ को निश्चित मान के यदि कार्बन परमाणु संख्या को धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो जैसे जैसे कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ेगी और तो कार्बन श्रृंखला है वो अध्रुवीय होती है और अध्रुवीय श्रृंखलाओं के बीच में क्या होता है, दुर्बल वैन डेर वाल्स आकर्षण बल होता है। ये दुर्बल वैन डेर वाल्स आकर्षण बल जैसे जैसे कार्बन संख्या बढ़ेगी ये वैन डेर वाल्स आकर्षण बल बढ़ते जाएंगे और जैसे जैसे वैन डेर वाल्स आकर्षण बल में वृद्धि होगी तो वो गैस से द्रव और द्रव से ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है इसमें एक कार्बन है, इसमें दो कार्बन है, इसमें एक कार्बन है, इसमें दो कार्बन है, इसमें एक कार्बन है, तो हम देखते हैं कार्बन एक और दो जिसमें केवल फ्लोराइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड है ये है, अर्थात इनके अणु भार क्या हो गए, कम हो गए और कम होने से इनकी भौतिक अवस्था क्या हो गई, गैस हो गई। इसी प्रकार से यदि हम इसके बाद में जो C15S31X
ये सब गैस है। इसके बाद में कार्बन 15 तक के जो हैलाइड है वो मधुर गंध युक्त द्रव होते हैं और इससे उच्चतर सदस्य है कार्बन 15 से, तो उच्चतर सदस्य वो है ठोस। अब देखो भौतिक अवस्था का एक उदाहरण है, ये हम एल्किल ले रहे हैं, एक कॉमन रूप से अगर हम एक हाइड्रोकार्बन लेते हैं तो हम देखते हैं 3XCH3 सिंगल बॉन्ड CH2XCH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2XCH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2X। तो हम देख रहे हैं कि X है हेलोजन है, सब में मान लीजिए ये समान है तो बढ़ क्या रहा है, बढ़ रहा है कार्बन परमाणु की संख्या। अब जैसे जैसे कार्बन परमाणु की संख्या हाइड्रोजन बढ़ेगी तो वैसे वैसे इसका अणु भार भी बढ़ेगा और जैसे जैसे अणु भार बढ़ेगा वैन डेर वाल्स आकर्षण बल में वृद्धि होगी और जब वैन डेर वाल्स आकर्षण बल में वृद्धि होगी तो पदार्थ की भौतिक अवस्था में भी परिवर्तन होगा। तो जैसे ही एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन, इसका मतलब है इसका अणु भार भी अधिक हो गया और अणु भार अधिक होने से इसमें वैन डेर वाल्स आकर्षण बल भी क्या हो गया, अधिक हो गया और वैन डेर वाल्स आकर्षण बल अधिक होने के कारण ये गैस में होकर क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम एल्किल हैलाइड इनकी भौतिक अवस्थाएं वो निर्भर करती है उनके अणु भार पर। तो अणु भार बढ़ेगा भौतिक अवस्था में परिवर्तन होगा। अब पढ़ेंगे हम एल्किल हैलाइड की भौतिक अवस्था के अलावा दूसरा भौतिक गुण है वो है इसका घनत्व। जो हमने भौतिक अवस्था में पढ़ा वो ही कारक घनत्व पर लागू होता है। घनत्व का अर्थ होता है एक इकाई आयतन में अवयवी कणों की संख्या और इकाई आयतन में अवयवी कणों की संख्या है वही उस पदार्थ का घनत्व कहलाता है। अगर इकाई आयतन में अवयवी कणों की संख्या बहुत अधिक है तो घनत्व अधिक रहेगा और यदि कणों की संख्या कम है तो घनत्व कम होगा। और अभी हमने जैसे भौतिक अवस्था में पढ़ा था घनत्व है, अगर हमने ये ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CL ये कार्बन है और फिर इसके अंदर हमने ले लिया दो कार्बन, हमने हैलाइड है वो समान लगाया है हैलोजन परमाणु, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CL CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CL। तो हैलोजन परमाणु इन सब में क्या है, एक समान है और एक एक करके क्या बढ़ रहा है, कार्बन बढ़ रहा है। कार्बन बढ़ने से अणु भार बढ़ेगा, अणु भार बढ़ने से आकर्षण बल भी बढ़ेगा, आकर्षण बल बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार से ये घनत्व का बढ़ता क्रम हो गया। और ये घनत्व क्यों बढ़ा, क्योंकि अणु भार बढ़ा और अणु भार बढ़ने से इनके बीच में वैन डेर वाल्स आकर्षण बल बढ़ा और वैन डेर वाल्स आकर्षण बल बढ़ने से घनत्व में वृद्धि हो गई। तो इस प्रकार से हम अगर घनत्व के लिए ये देखें तो हमने हेलोजन परमाणु समान रखा, ठीक है, और कार्बन परमाणु की संख्या अलग अलग रखी। अब यदि हमने हेलोजन परमाणु अलग अलग रखते हैं जैसे CH3 F CH3 Cl CH3 Br CH3 I, अब हम देखते हैं कि इनके अंदर कार्बन परमाणु है वो समान है, अर्थात ये इनका भार है वो समान हो गया। अब भिन्न क्या है, हेलोजन परमाणु, इसमें F, Cl, Br, I। अब इसमें हम देखते हैं कि F से अधिक परमाणु भार होता है Cl का, Cl से अधिक होता है Br का और Br से अधिक होता है I का। तो परमाणु भार बढ़ेगा तो वैन डेर वाल्स आकर्षण बल में वृद्धि होगी और अवयवीकरण क्या होंगे, एक दूसरे के निकट आएंगे। तो ये भी क्या होगा, इनके बीच में आकर्षण बल पर वैन डेर वाल्स आकर्षण बल बढ़ने से इनके घनत्व में भी वृद्धि होती है। और हमने अगर इसको रिलेट इससे किया तो घनत्व में वृद्धि होगी तो
तो भौतिक अवस्था में भी परिवर्तन होगा। इसी प्रकार से हम अगला जो भौतिक गुण है वो पढ़ेंगे, क्वथनांक। अब क्वथनांक है वो किस पर निर्भर करता है, तो क्वथनांक भी क्या करेगा, अवयव कणों के बीच में आकर्षण बल जिसको वान डर वाल्स आकर्षण बल कहते हैं उस पर निर्भर करेगा। अब अगर कोई भी ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसके अंदर हेलोजन है, देखो हेलोजन परमाणु है, विद्युतधनी परमाणु होते हैं, और जो हाइड्रोकार्बन भाग होता है ये हाइड्रोकार्बन भाग एध्रुवीय होता है, और एध्रुवीय भाग के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो होता है वान डर वाल्स आकर्षण बल। तो अगर जैसे हम कार्बन है ये आकर्षण बल, जैसे अगर हमने ये देखा CH3Cl, तो ये भी CH3 ये Cl, तो हम देखते हैं भाई अगर मान लीजिए इनके बीच में जो आकर्षण बल है या इनके बीच में आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल जो भी है, तो वो आकर्षण बल है वो समान समूह के बीच में रहेगा। अगर एध्रुवीय भाग ये है, एध्रुवीय भाग है, तो इसमें वान डर वाल्स आकर्षण बल रहेगा, और अगर अणु ध्रुवीय है तो उसके अणुओं के बीच में द्विध्रुव आकर्षण बल रहेगा। तो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे इसके अंदर क्वथनांक है, अगर देखिए अणु भार बढ़ेगा, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, और इसमें हम आगे लेते हैं एक कार्बन और बढ़ा देते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। तो हम देखते हैं भाई इन भौतिक गुणों को पढ़ा था वो इसमें लागू कर देते हैं कि इसमें एक कार्बन, इसमें दो कार्बन, इसमें तीन कार्बन, इसमें चार कार्बन है। तो जैसे जैसे कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ेगी वान डर वाल्स आकर्षण बल में वृद्धि होगी, वान डर वाल्स आकर्षण बल यानी कणों के बीच में आकर्षण बल बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा, अर्थात उस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए उस पदार्थ को अधिक ताप पर गर्म करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ये क्वथनांक बढ़ता है, मेथिल क्लोराइड से एथिल क्लोराइड का क्वथनांक अधिक होगा, एथिल क्लोराइड से एन प्रोपिल क्लोराइड का क्वथनांक अधिक होगा, और एन प्रोपिल क्लोराइड से एन ब्यूटिल क्लोराइड का क्वथनांक अधिक होगा। अब हम ये क्वथनांक का बढ़ता क्रम ये आ गया हमें कि भाई क्वथनांक का बढ़ता क्रम है कारण कि अणु भार बढ़ रहा है, और अणु भार बढ़ेगा तो निश्चित रूप से वान डर वाल्स आकर्षण बल भी बढ़ेगा। ठीक है, तो अणु भार ज्यादा, वान डर वाल्स आकर्षण बल ज्यादा। अब दूसरी चीज है, अगर हमने ये इसको बता दी भाई अणु भार बढ़ने से वान डर वाल्स आकर्षण बल बढ़ता है, तो कई बार ये होता है कि अणु भार समान है, अणु भार समान है लेकिन वान डर वाल्स आकर्षण बल है वो बदल जाते हैं, वो स्थिति होती है। जैसे अगर हमने ये देखा जैसे जैसे कार्बन संख्या अणु भार बढ़ रहा है वान डर वाल्स आकर्षण बल बढ़ेगा, क्वथनांक बढ़ेगा। अगर अणु भार समान हो तो उस स्थिति में भी क्वथनांक बदल जाते हैं, तो उसमें दो स्थितियां रहेगी। अब जैसे मान लीजिए हमने एक यौगिक लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br, इसका नाम है N ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये 1 ब्रोमो ब्यूटेन, एक ये लिखा, और एक लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Br, ये आ गया सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, और एक हमने ये लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Br। तो अगर हम इसको ये लिखते हैं चाहे इसको आइसो रूप में लिखते हैं, अब हम देखते हैं कि इन तीनों का इसका नाम हो गया तृतीयक टर्शरी तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड, यहां पर हम सेकेंडरी की जगह आइसो भी लिख देते हैं। अब देखो इन तीनों यौगिकों का
अणु भार है वो समान है, सबके अंदर एक दो तीन चार कार्बन परमाणु है, एक दो तीन चार कार्बन, इसमें भी चार कार्बन परमाणु, इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 3, 2, 5, 2, 7 और 2 9 है, इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है, और तीन यौगिकों के अंदर समान हाइड्रोजन परमाणु है। इसका मतलब इस तीनों यौगिकों का अणु भार है वो एकदम समान इक्वल है। फिर इनके क्वथनांक में अंतर आता है, तो हम देखते हैं कि क्वथनांक है वो एन ब्यूटिल ब्रोमाइड का सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड से अधिक होगा, वो सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का क्वथनांक है टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड उससे ज्यादा होगा, जबकि अणु भार समान है। हमने यहाँ पढ़ा था कि अणु भार वैन डर वाल्स आकर्षण बल ये परस्पर एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, कि अणु भार बढ़ेगा वैन डर वाल्स आकर्षण बल बढ़ेगा, वैन डर वाल्स आकर्षण बल तभी बढ़ता है जब अणु भार में वृद्धि होती है। इसी प्रकार से अगर जब अणु भार इन सब का समान है तो होना तो ये चाहिए कि क्वथनांक तीनों का समान होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब इनमें क्या होता है कि ये है एसाकित, ये एसाकित एल्किल हैलाइड, ये साकित है और ये भी साकित है। अब हम देखते हैं कि इसमें हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में पार्श्व भाग में कोई भी श्रृंखला नहीं है, ऐसा किन है, इसमें एक आ गया ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला एक मेथिल समूह आ गया, और इसमें अगर हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में ये दो शाखाएं बन गई या ये दो बन गई तो ये साकित हो गया। अगर हमने ये ले लिया तो ये साकित हो गया। तो एक हम इसमें देखते हैं कि ये शाखाएं बढ़ने पर अणु पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, अगर वो एसाकित है तो वो इस तरह से रह जाएगा, और यहां पर हमने जोड़ दिया हेलोजन। अब क्या करते हैं कि एसाकित होने पर अणु परस्पर एक दूसरे पर समायोजित होते हैं, अर्थात एक दूसरे पर रखे जाते हैं, और रखने से क्या होगा, अब मान लीजिए हमने इसको इस तरह से दूसरा ये भाग रखा है, वो भी ऐसा कि और ये एक्स हो गया, फिर ऐसे रख दिया, फिर हमने ऐसे रख दिया, तो हम देखते हैं कि इन अणुओं के बीच में कोई गैप नहीं होगा, क्यों, कोई शाखाएं नहीं है, तो परस्पर ये एक दूसरे से सटे हुए रहेंगे, और सटे हुए रहने के कारण इनके बीच में वैन डर वाल्स आकर्षण बल अधिक होंगे, और अधिक होने के कारण इनका क्वथनांक बढ़ जाएगा, अर्थात आकर्षण बल ज्यादा है। उस अधिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए हमें अधिक ताप की आवश्यकता रहेगी, और अधिक ताप की आवश्यकता रहेगी तो क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। अब जैसे हमने लिखा ये शाखा, अब अगर मान लीजिए कि जैसे हमने ये है, ये एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है और एक ये, अगर यहाँ पर एक शाखा हो गई, ये मेथिल समूह हो गई, अब ये एक दूसरे पे से आएंगे तो नजदीक नहीं आ पाएंगे, और इनके बीच में क्या होगा, गैप बन जाएगा, दूरी बढ़ जाएगी, दूरी बढ़ेगी आकर्षण बल घटेगा, और आकर्षण बल घटेगा तो क्वथनांक भी घट जाएगा। तो जैसे जैसे ये शाखाएं बढ़ती है, शाखाएं बढ़ने से इसी अणु और ऐसा ही दूसरा अणु इनके बीच में वैन डर वाल्स आकर्षण बल में कमी आ जाती है, और वैन डर वाल्स आकर्षण बल में कमी आने से इनका क्वथनांक घट जाता है, और इसी प्रकार से जैसे शाखाएं ज्यादा बढ़ गई तो और आकर्षण बल में कमी आ जाएगी। अब ये आकर्षण बल में कमी है वो किस तरह से निर्भर करती है, इसके लिए हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए एक तो ये लिखा हमने, तो इसके अंदर हम एक शाखा बिना शाखा वाली ऐसा की तेल की ले रहे थे, जो हाइड्रोकार्बन भाग को एक दूसरे पर सेट करके रख दिया गया, तो एक दूसरे को स्पर्श करने वाला जो भाग है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत अधिक हो गया, अर्थात ऐसा कित एल्किल हैलाइडों का एक दूसरे को आकर्षित करने वाला वैन डर वाल्स आकर्षण बल वाला भाग अर्थात उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक हो जाता है, और अधिक होने के कारण उसका क्वथनांक अधिक हो जाता है। अब देखते हैं हम कि साखित है ये जैसे, तो इसमें क्या होगा कि अगर ये सी है और ये हेलोजन जुड़ा हुआ बी आर जुड़ा हुआ नहीं आगे बी आर, तो क्या होगा कि ये गोल आकार हो गया, एक अणु ये है
अब अगर इस आकार का अणु है तो दूसरा अणु भी ऐसे ही रहेगा, वो भी हमने बी आर लिख दिया, तीसरा अणु भी ऐसे रहेगा और हमने यहाँ बी आर लिख दिया। एक तो ये अणु है जो एक दूसरे पर पूर्ण रूप से समायोजित हो रहे हैं ऐसा कि थे, तो इनके बीच में जो परस्पर आकर्षित करने वाला जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बहुत अधिक है, इस कारण से इनका वधनांक अधिक रहेगा। और ये जैसे जैसे शाखाएं बढ़ेगी अणु गोल आकृति ग्रहण करता जाएगा, और जैसे जैसे शाखाएं बढ़ेगी गोल आकृति अर्थात एक दूसरे को स्पर्श करने वाला आकर्षित करने वाला भाग अगर इस तरह से है, अगर रखते हैं तो बहुत कम भाग है वो एक दूसरे को स्पर्श करता है या आकर्षित करता है, और उस कारण से उनमें वैन डर वाल्स आकर्षण बल में कमी आ जाती है, और उस कमी के कारण ही उसके वधनांक कम हो जाते हैं। तो अब इनके अंदर जो पृष्ठ स्पर्श करने वाला पृष्ठ है अर्थात पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो इतना रह गया, और इनके अंदर इतना पृष्ठीय क्षेत्रफल है जो एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो जैसे जैसे शाखाएं बढ़ेगी वैसे वैसे अणु का पृष्ठीय क्षेत्रफल घटता है, इस कारण से वधनांक में कमी आ जाती है। इसीलिए अशाखित एल्किल हैलाइडों के वधनांक अगर हम अणु भार समान मान लेते हैं, समान अणु भार वाले अशाखित एल्किल हैलाइडों के वधनांक शाखित एल्किल हैलाइडों की तुलना में बहुत अधिक होते हैं, और इसका कारण क्या है कि शाखित एल्किल हैलाइड में अणु का आकार गोल होने के कारण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी आ जाती है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी आने के कारण उनके वधनांक घट जाते हैं। तो इस प्रकार से हम एल्किल हैलाइड में अणु भार बढ़ने के साथ साथ तो क्या होगा, अगर हाइड्रोजन परमाणु समान है अणु भार बढ़ रहा है तो वैन डर वाल्स आकर्षण बल बढ़ेगा, वधनांक बढ़ेगा, और अशाखित के वधनांक है वो शाखित की तुलना में ज्यादा होते हैं, अर्थात जैसे जैसे शाखाएं बढ़ेगी वैसे वैसे वधनांक में कमी आएगी चाहे अणु भार समान हो। तो इस प्रकार से हम ये तीन भौतिक गुण, भौतिक अवस्था, घनत्व और वधनांक, अब रहता है चौथा भाग, चौथा पॉइंट है हम लेते हैं विलेयता। हमने कक्षा 11 में भी पढ़ा था कि कोई भी यौगिक है वो किसी विलयक में तभी विलय होता है जब दोनों की प्रकृति समान हो, अर्थात अगर कोई जैसे नमक है वो पानी में घुल रहा है, ठीक है, एल्कोहल है वो पानी में घुल रहा है, तो इसका मतलब है दोनों की कोई न कोई एक ऐसा गुण या ऐसी प्रकृति जो समान है तभी वो उसमें विलय होता है, और अगर वो अलग नहीं है, इसके अलावा एक मुख्य कारण हमने जो कक्षा 11 में भी पढ़ा था वो होता है हाइड्रोजन बंध। अगर हाइड्रोजन बंध है, अगर कोई भी यौगिक विलय के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है तो वो यौगिक उस विलय के में विलय होता है। तो एल्किल हैलाइड है वो जल अणु के साथ RX है, RX प्लस H2, RX और H2। अब हम देखते हैं कि एल्किल हैलाइड भी ध्रुवीय है और जल भी क्या है, ध्रुवीय है, लेकिन एल्किल हैलाइड बहुत ही अल्प ध्रुवीय होता है क्योंकि इसके अंदर जो एल्किल समूह होता है उसका प्लस आई प्रभाव है वो इसकी ध्रुवता को कम कर देता है। फिर इसके अंदर अगर घुलने पर अगर हमने घोल भी दिया जल के अणु तो इतनी ऊर्जा मुक्त नहीं होती है कि जिससे कि वो निकलने वाली ऊर्जा वो इन एल्किल हैलाइड के अणु के बीच में आकर्षण बल को कम कर सके, ऐसा नहीं होता। तो एल्किल हैलाइड और जल है इनके बीच के अंदर कोई हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है, और हाइड्रोजन बंध नहीं बनने के कारण एल्किल हैलाइड और जल में विलय होते हैं, ठीक है। तो अब देखो एल्किल हैलाइड के भौतिक गुण हैं, इनमें विशेष रूप से आपको याद रखना है क्वथनांक। इनमें से क्वेश्चन आते हैं अगर कोई भी क्रम में लिखा रहता है कार्बन परमाणु बढ़ रहे हैं हाइड्रोजन समान है तो अब ध्यान देना अणु भार बढ़ेगा क्वथनांक बढ़ेगा, ठीक है। और इसमें आपको एक ये भी बता दिया, एक क्वेश्चन इसमें से आता है क्या कारण होता है कि अशाखित एल्किल हैलाइडों के क्वथनांक शाखित की तुलना में अधिक होते हैं, ठीक है ना। तो इन पर आपको विशेष ध्यान देना है, इसमें कोई भी आपकी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और फिर रासायनिक गुण है एल्किल हैलाइड
कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।